चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव की बात करते हैं। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक उथल पुथल भी तेज हो गई है। गोरखपुर में भी ऐसा ही वाकया सामने आया। यहां पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष बीडीसी के टिकट नहीं मिलने के अंदेशे में लखनऊ पहुंच गए और वहां से वायरल हुए फोटो को आधार मानकर सपा और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देना भी शुरू कर दिया। लेकिन गुरुवार को सीएम योगी की बैठक में पहुंचकर उन्होंने पार्टी में पूरी निष्ठा होने की बात कहकर यू टर्न भी ले लिया। मैं भी सपा में ज्वाइन किया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। लखनऊ में गया तो मैं अपने रिश्तेदार से मिलने गया था, बाहर कुछ लोग मिल गया और गलत ढंग से लोग इस्तेमाल किया। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं ने गदर मचा रखा है। हाईकोर्ट के स्थगन के आदेश के बावजूद कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद दूरी पर अवैध निर्माण का खुला चैलेंज दिया जा रहा है। हालांकि अब एसडीएम ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। तुलसी सत्संग भवन के लिए नजूल भूमि के रूप में आवंटित और इसका जो है नजूल भूमि के संबंध में इसका नक्शा पास कराने के लिए विनिवेशकरण क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है और अभी नक्शा स्वीकृत नहीं है। अधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि तत्काल कोई भी अब काम नहीं होना चाहिए, काम को रुकवाएं और हर एंगल से इसके फोटोग्राफ कराएं, कितना निर्माण हो गया ये भी सूचना दें। और बस्ती के बाजारों में धड़ल्ले से प्रतिबंधित चाइनीज फूजी सेब की बिक्री हो रही है, जबकि इसे पकाने में इस्तेमाल प्रतिबंधित रसायन की वजह से सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। लेकिन फल विक्रेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और प्रशासन का भी इस ओर ध्यान नहीं है। बस्ती के बाजार प्रतिबंधित चाइनीज सेब से भरे पड़े हैं। जिले में रोजाना करीब 2 टन से अधिक इसकी बिक्री की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेब को पकाने में हानिकारक केमिकल के इस्तेमाल की वजह से भारत सरकार ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन प्रशासन इस तरफ से आंखें बंद किए हुए। फूड अधिकारी की माने तो इसके प्रतिबंधित होने की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि डीएम के मुताबिक इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी सूचना आप लोगों द्वारा ऐसी दी गई है कि ऐसे सेब के उत्पाद पाए गए हैं, इस पर सर हम लोग सर्विलांस की कार्रवाई कर रहे हैं और खास सुरक्षा अधिकारियों को मैंने निर्देशित कर दिया है कि इस पर कार्रवाई करते हुए और इसकी रिपोर्ट मिस हो। इसमें अभी मामला संज्ञान में आया है, इसकी जाँच करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हैरानी वाली बात यह है कि चाइनीज सेब के देसी सेब से महंगा होने के बावजूद इसकी बिक्री जोरों पर है। दरअसल इन चाइनीज सेब को इतने साफ सुथरे तरीके से आकर्षक स्टिकर लगाकर बेचा जाता है कि लोगों को इनकी उम्दा क्वालिटी होने का भरोसा हो जाता है और लोग आसानी से इसके जाल में फंस जाते हैं। वहीं अच्छी कीमत मिलने की वजह से फल कारोबारी भी इसकी बिक्री में ज्यादा रुचि लेते हैं और ज्यादातर फल विक्रेताओं को इसके प्रतिबंधित होने की कोई जानकारी भी नहीं है। इसलिए महंगाई है ना, 260-250 रुपए किलो, तो उतना मतलब जिसको जरूरत है वही तो ले जाएगा। इतना महंगा सेब कहाँ रह गया है? और सर हम लोग भी मंडी से लाते हैं, महंगा है तो महंगा ला रहे हैं, तो इसलिए महंगा हो गया। सीजन नहीं है, अपने यहाँ का सेब थोड़ी है। अपने यहाँ का सेब कब तक आएगा? लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा। डेट बिक जाता है 10-15-20 किलो दे दें, दिन भर में 15-20 किलो आप लोग बेच लोगे। रेट वाला सेब कहाँ से आता है भैया? मंडी में से लेकर आते हैं। कहाँ से बताते हैं? अच्छा, उनके यहाँ जय हिंद के। अच्छा, वो कहाँ से बताते हैं, कहाँ लाते हैं? नहीं जानते, वो न्यूजीलैंड से कह रहे हैं। न्यूजीलैंड। दरअसल प्रतिबंधित चाइनीज सेब कालाबाजारी के जरिए देश के अंदर लाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये नेपाल के रास्ते महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले से लाया जाता है और पूर्वांचल के बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया और गोरखपुर में सप्लाई किया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में इसकी बिक्री और खरीदारी की जा रही है और अनजाने में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। आपको बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में सड़कों की हालत खराब है। यहां सरीला तहसील के जिटकिरी, जमौड़ी, बौखर, चंडौत, बसरिया गांव की मुख्य सड़कें चलने लायक नहीं है।
जालौन में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल है और अब इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ। बांदा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद हंगामा हो गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। मौके पर पथराव की भी स्थिति बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आपदा में अवसर तलाशने की कहावत को आपने अक्सर सुना होगा, जिसको सच कर दिखाया है पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने। उन्होंने कोरोना काल में जिले को नया रूप मॉडल देने की योजना बनाई और लॉकडाउन में मिली छूट के बाद जनता को एक अनोखा मॉडल उपहार स्वरूप तैयार करके दिया है। असल में इन्होंने पीलीभीत की सूरत को ही बदल डाला। इन्होंने मॉडल बनाकर पार्कों का सुंदरीकरण कराने से लेकर शहर के मुख्य चौराहों का नामकरण किया और उन्हें नया रूप दिया और अब जिलाधिकारी की खूब तारीफ हो रही है। जनपद पीलीभीत बाघ और बांसुरी दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। कुछ महीनों पहले ही हमने बांसुरी चौराहा पीलीभीत को समर्पित करा था और आज टाइगर तिराहा के रूप में ये तिराहा विकसित करा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा निर्देश रहते हैं कि अपने शहर को बेहतर बनाया जाए और ऐसे में जब कुछ संस्थाएँ जुड़ती हैं तो प्रशासन का काम और अच्छा हो जाता है। और अब बात बदायूं की, जहां डाक विभाग ने ओम दिव्य दर्शन नाम से एक सेवा शुरू की है। इसमें कोरोना काल के दौरान जिन व्यक्तियों का देहांत हो गया और उनकी अस्थियां कोरोना काल के चलते मृतक के परिजन गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए, उनको डाक विभाग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से काशी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया की गंगा में विसर्जित करेगा। और देश भर में बच्चों पर कोविड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कानपुर के एक अस्पताल में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसी हालत में अस्पताल में जो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग डॉक्टर्स हैं। इनका कहना है कि उनके वैक्सीन लगवाने से बाकी लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और उनका डर भी दूर होगा। ये हैं लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर विपुल शाह। इनकी पत्नी भी पेशे से चिकित्सक हैं। डॉक्टर शाह की 9 साल की बेटी हिमाक्षी और क्लास 4th में पढ़ने वाली डालमा। डॉक्टर शाह ने अपनी दोनों बेटियों को कोविड वैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाया है और इनकी दोनों बेटियां भी वैक्सीन लगवाकर बेहद उत्साहित हैं। डॉक्टर विपुल के मुताबिक दोनों बेटियों को बुधवार को वैक्सीन लगी और गुरुवार को दोनों बेटियों की दिनचर्या अन्य दिनों ही जैसी है। उन्हें कोई समस्या नहीं है। 10,000 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है फेसबुक पे और हम लोग पिछले एक साल से डिफरेंट जो है वो वैक्सीन्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो कोविड महामारी को रोक सकें। कल हम लोग कानपुर में वैक्सीन लगाने गए थे। नहीं, क्योंकि वो लोग ट्रायल में नहीं लगवा रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगी? कोवैक्सीन। डॉक्टर विपुल शाह का कहना है कि फेसबुक पर डॉक्टर्स का एक पेज है जिस पर देश भर के करीब 10,000 चिकित्सक जुड़े हुए हैं, जिसमें ये फैसला लिया गया कि पहले डॉक्टर अपने बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाएंगे तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। एक हिचक जरूर होती है, मगर हमारा एक कोर ग्रुप है इस 10,000 में और हमारे कोर ग्रुप के सारे डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग खुद जो है ट्रायल्स में अपने बच्चों को एनरोल करवाएंगे और जब ट्रायल्स में बच्चों को अपने एनरोल करवाएंगे तो समाज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो लोग पिछले एक साल से इन्हीं चीज़ों पर मंथन भी कर रहे हैं और अपनी बेटियों को वैक्सीन लगवाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि समाज में एक संदेश जाए कि लोग डरे नहीं और कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उससे लड़ने के लिए खुद तैयार हूँ, समाज को बचाने के लिए खुद आगे आए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको सुपर फास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक सुनील कुमार ने लोनी कांड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दंगाजीवी चुनाव आता देख सक्रिय हो गए हैं और वही पुरानी अपनी सांप्रदायिक राजनीति को लेकर आ गए। बागपत में एक बुजुर्ग की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं बुजुर्ग के घर से 60,000 रुपए कैश और अन्य कागजात भी गायब है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आगरा में एक युवती ने खुद के ऊपर केरोसिन तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। प्रेम प्रसंग को लेकर युवती ने कदम उठाया, हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने युवती को बचा लिया। मुरादाबाद में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की। इस फायरिंग में बच्चों को मामूली चोट भी आई है और अब उनका इलाज चल रहा है। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने दंपति से तमंचे के बल पर लूटपाट की, हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई। फिरोजाबाद में एक लड़की को प्यार में धोखा मिला। लड़की ने जिस लड़के से शादी की उसके परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और इसके बाद लड़की ने जान देने की बात भी कही। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जहरीली शराब कांड के आरोपियों में से एक मदन कालिया और गुड़गांव स्थित अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। शामली की पुलिस ने चेकिंग के दौरान करनाल से मेरठ लेकर जा रही शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा। इस दौरान मौके से एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ चल रही। मेरठ में आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब गया। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हुआ, यहां तक कि डीएम एसएसपी और कमिश्नर ऑफिस में भी जल भराव देखने को मिला। एटा में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से जगह जगह जल भराव भी दिखाई दिया। जल भराव से लोग बहुत परेशान दिखे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुमाऊं रेंज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। कुमाऊं रेंज को लेकर खासतौर पर यह अलर्ट जारी किया गया है। कौन से जिले? पिथौरागढ़, चंपावत, जिनमें भारी बारिश हो सकती है। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। पंकज, क्या तैयारियां हैं इस भारी बारिश को लेकर इन जिलों में प्रशासन की? बिल्कुल राजेन, देखिए मानसून की लगभग दस्तक हो चुकी है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि अगले तीन दिन तक प्रदेश में बारिश हो सकती है और 18 तारीख को भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था, तो आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश जारी है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जलाया था और कई जगह से इस तरह की सूचना मिल रही है कि नदियां उफान पर हैं और भारी बारिश से कई जगह यातायात भी बाधित हुआ है। तो कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग भी इस ओर सतर्क था। जिलों ने अपने अपने स्तर से तैयारी की थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी एडवाइजरी जारी करता है कि अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो सतर्कता बरती जाए, खासकर पहाड़ी जिलों में, क्योंकि आज भारी बारिश का अलर्ट है और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। राजधानी में भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि मौसम विभाग ने 18 तारीख को जो अलर्ट जारी किया था वो सही साबित हो रहा है और प्रदेश के पहाड़ी जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और आपदा प्रबंधन विभाग इसमें अपने इस तरह सतर्कता बरत रहा है। जिस तरह से सूचना मिल रही है कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग में कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यदि पहाड़ी जिलों में तेज बारिश होगी तो मैदानी जिलों में इसका असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। स्वाभाविक है, दिक्कतें पैदा होंगी और इसके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी रखनी होंगी प्रशासन को और आपदा प्रबंधन विभाग को। बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए और इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि इन 100 दिनों में राज्य सरकार ने अब तक क्या किया। 10 मार्च को मैं शपथ लेता हूं, 1 अप्रैल के बाद जब मैं समीक्षा करता हूं, 1 महीने के बाद, तो ध्यान में आता है आईसीयू बेड, आपका ऑक्सीजन बेड, आपका वेंटिलेटर, जिसके लिए हम लोग परेशान होते थे, उसको हमने 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना बढ़ाया, यानी दुगना, तिगना, चौगुना नहीं, इतना हमने बढ़ाया। जब 1.5 महीने के बाद समीक्षा मैंने किया, खेल मंत्री जी से मिलना हुआ, सभी स्मृति ईरानी जी से मिलना हुआ, वित्त मंत्री सीतारमण जी से मिलना हुआ, बाकी अपने अन्य संगठनात्मक जी से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सभी लोगों से मेरा मिलना हुआ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सबसे कुछ न कुछ मिला,
कोई ऐसा मंत्रालय नहीं था जिससे मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ ना कुछ मिला। मैं बड़े उत्साह से आपके बीच में आया हूँ। उत्तराखंड की मैं कल प्रवेश किया, सड़क से लेकर के पानी, बिजली, ऊर्जा मंत्री जी से लेकर सबसे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि तेरा जो कुछ चाहिए उत्तराखंड के लिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। स्थिति और ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे ईश्वर भी बढ़ेंगे। इसके कारण हमारे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, अन्य कारोबारी, व्हीकल वाले अपने ट्रेवल्स, उन पर बड़ा असर पड़ा है। इवन शादी पे पड़ा है, बिजनेसमैन पे, सभी पे पड़ा, मार्केट बंद है, सब तरह का है। लेकिन उसको उभारने का काम, और उससे कुछ ना कुछ इन दिनों छूट भी मिले, टैक्स में है, वहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं वो भी हमने किया है, किस तरह के उनको छूट देनी है, मदद करनी है। अभी अभी मैं जब परसों बात किया रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, आपका देहरादून से विकास नगर, गंगोत्री, यमुनोत्री जोड़ने वाला ये चार धाम, यहाँ भी ट्रेन पहुँच जाए, सर्वे शुरू होने जा रहा है, वो फंडिंग मुझे तुरंत वहीं पे पीयूष जी ने कहा कि घोषणा कर दो, मैं बजट तत्काल दे रहा हूँ। रामनगर तक सीधे ट्रेन, आपका कॉर्बेट नेशनल, ऐसा उसको टाइगर, मैंने कहा एक आवश्यकता, मेरा संसदीय भी क्षेत्र है, मैं जानता था वहाँ के स्थितियों को, और पूरा दुनिया का पर्यटक वहाँ आता है, ये केवल उत्तराखंड के लिए दुनिया का पर्यटक आता है, तो मैंने कहा ये ट्रेन लगनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं ओके कर दूँ, कर दो तुरंत। वहीं पे बैठे बैठे हमारा अधिकारी बैठा है, केंद्र का अधिकारी बैठा है, जो बात हुई आमने सामने। तो 100 दिनों का कार्यकाल जब पूरा किया मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने, तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में कार्य समिति में होने वाले आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। रानीखेत में चौबटिया नागपानी देहोली मोटर मार्ग का शिलान्यास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किया और इस सड़क का शिलान्यास होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर। काशीपुर के मुख्य बाजार में सड़क पर पड़ी जेनरिक दवाइयों के ढेर को देखकर लोग सकते में आ गए। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां सड़क पर किसने फेंकी। बागेश्वर में पहले ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस क्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्लांट स्थापित करने आए इंजीनियर से वार्ता की और यहां के तकनीकी पहलुओं को समझा। रुद्रपुर जिला अस्पताल में जल्द मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए यहां सीटी स्कैन मशीन को लगाया गया है और अब कर्मचारियों को कंपनी की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। चंपावत में पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने स्मैक तस्करों की एक बाइक को भी सीज किया और अब इन स्मैक तस्करों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ में सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों और प्रशासन में बात हुई है लेकिन नोकझोंक की स्थिति लगातार बनती रही। रुद्रप्रयाग में आई आपदा में मृत लोगों को केदारनाथ धाम में श्रद्धांजलि दी गई। तीर्थ पुरोहितों और देवस्थान बोर्ड ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तराखंड में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। टिहरी में चांठी पुल के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए, उन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल बरौनी लाया गया।